दोस्तों, आज हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार, शब्द शिल्पी, कादम्बिनी के मुख्य कापी संपादक पंडित सुरेश नीरव जी उपस्थित हैं। टू मीडिया के माध्यम से आज हम उनका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। पंडित सुरेश नीरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुष्पा जोशी जी। पंडित जी, कलम की दोस्ती को ईश्वर का उपहार या विरासत मानते हैं, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। विरासत में मिला हुआ उपहार, दोनों ही बातें हो सकती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि हमें जो भी मिलता है वो इस प्रकृति का, इस अस्तित्व का उपहार होता है, और जो हमें मिलता है वो निश्चित रूप से धरोहर भी होता है। इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को स्वीकार करते हुए ये कहूँगा कि हमारा लेखन या हमारा अस्तित्व जो कुछ भी है वो प्रकृति का उपहार भी है और प्रकृति का या ब्रह्मांड का या ब्रह्म का धरोहर भी। और आपको तो विरासत में भी मिला। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें तीन पीढ़ियों से लोग साहित्य की सेवा करते रहे हैं और मैं भी उस तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना ये भी मानना है कि साहित्य का जो सृजन है या सृजन की जो चेतना है वो विरासत में मिलना उतना महत्वपूर्ण होता नहीं है, क्योंकि कई उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर का हो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो, या बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनके बच्चों में संस्कार आया ही नहीं। तो पारिवारिक धरोहर या पारिवारिक संस्कार है, मैं समझता हूँ भीतर व्यक्ति का अपना जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके घर में कभी किसी ने पत्रकारिता नहीं की, लड़का पत्रकार बन रहा है, किसी के घर में कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, बाप रिक्शा चला रहा है, बच्चा IAS हो रहा है। तो मेरा अपना मानना ये सब हमारी अपने भीतर की तैयारी पर निर्भर करता है। साधक का श्रम सीकर ही काव्य है, साधक कवि हो जाए सहज संभाव है। और नीरव जी, आपकी रचनाएं, आपके संग्रह, जैसे इस समय आपने टोपी बहादुर एक व्यंग संग्रह निकाला है, ये सब अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हमारा सृजन जो है समय सापेक्ष है, समय के साथ कदम बढ़ाकर चल रहा है, तो वो चर्चा में रहेगा। और जैसे आप रामचरितमानस को ले लीजिए या वेदों को ले लीजिए, जो चीज़ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कल थी, तो वो चर्चा में रहेंगी। और मेरी अपनी एक कोशिश रहती है कि जो हमारे आसपास घटित हो रहा है हम उसको ही अपने साहित्य में जगह दें, तो इसलिए वो चर्चा का विषय बन जाता है। और मेरा अपना मानना यह है कि हर रचनाकार को समय सापेक्ष होना चाहिए। मैंने तो अपने पहले संग्रह का नाम ही रखा समय सापेक्ष हूँ मैं। और साहित्यकार की दृष्टि में आपका व्यक्तित्व या कृतित्व, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन करते हैं तो उसमें उसके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को जोड़कर उसका मूल्यांकन करते हैं। बहुत से रचनाकार, कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे कवि होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर वो उतने अच्छे व्यक्ति नहीं होते। कलाकार होना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति होना, अगर वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो ये तय है कि उसके मूल्यांकन में कहीं ना कहीं जैसे चांद में कलंक दाग है, उस प्रकार हो जाता है। तो आदमी के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं वो बात आपके आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर दोगलापन नहीं होना चाहिए मेरे, हाँ मतलब साम्य होना चाहिए आपकी कथनी और करनी में। तो मैं व्यक्तित्व कृतित्व का मतलब क्या है? कथनी और करनी। आप बातें तो कर रहे हैं बड़ी ऊंचे ऊंचे आदर्शों की, और आपके आचरण में बहुत घटियापन है, तो मैं नहीं समझता कि लोग आपको स्वीकार करेंगे। अगर आपका व्यक्तित्व कृतित्व एक है
तो आपके मुंह से कही गई बात मंत्र बन जाती है। अगर अब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें कोई कविता नहीं है, इसमें कोई वेदों का मंत्र नहीं, ये उनके आत्मा से निकली हुई आवाज़ है और वो इतनी गहरी आवाज़ है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को, पूरे हमारे देश को झंकृत कर देती है। या लोकमान्य तिलक कहते हैं स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये उनके आचरण के साथ, या बापू कहते हैं, गांधी कहते हैं कि सत्य की बात, अहिंसा की बात, तो वो उनके आचरण में दिखाई दे रही है। तो वैसे ही कलाकार के अगर आचरण में उसकी कला के मूल्य समाहित होते हैं तो उसका मूल्यांकन होता है, वरना वो आदमी विखंडित व्यक्तित्व में माना जाता है कि आप कवि तो बहुत अच्छा है लेकिन आदमी बड़ा घटिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्रांति की बातें करें, क्रांति की कविताएं लिखें, लेकिन अपने जीवन में मौका परस्त हों, अवसरवादी हों, धोखेबाज हों, तो आपकी कविता का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि समग्रता में व्यक्तित्व कृतित्व दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक गत्यात्मक संतुलन होना चाहिए, तभी व्यक्तित्व में निखार आता है। और नीरव जी, एक तरफ तो अब साइंस के छात्र रहे, दूसरी तरफ शब्दों के शिल्पी, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया आपने? देखिए, विज्ञान और ज्ञान कोई अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वही विज्ञानी है, जो विज्ञान सिद्ध करता है। ये दृष्टि है, देखने की दृष्टि है। जैसे एक व्यक्ति ने एक फूल को देखा, उसके खुशबू को देखा, महसूस किया, उसकी पंखुड़ियों को देखा और उस पर उसने कविता लिख दी, तो उसकी जो दृष्टि है वो उसके फूल के सौंदर्य बोध तक गई। वस्तु पदार्थ जो है वो फूल है। एक वैज्ञानिक आता है, वो उस फूल को देखता है तो कहता है अच्छा इसमें पंखुड़ियाँ हैं, इसके अंदर गर्भाशय है, इसके अंदर पराग कोश है, इसके अंदर बीज है, वो और उसके भीतर तक जाता है। हाँ, तो जो ज्ञान है वो हमको खोजने की दृष्टि देखता है। एक तो हमारा होता है किसी चीज़ को देखना, लुकिंग, और एक होता है किसी चीज़ का निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। तो निरीक्षण करना और ऑब्जर्वेशन करना, ये दोनों चीज़ें ज्ञान है और विज्ञान है। एक से आदमी देखता है और दूसरे से उसकी गहरी पड़ताल करता है, उसे खंगालता है, तो ज्ञान उस चीज़ तक पहुंचाता है और विज्ञान उसकी गहराई में उसे उतार देता है। इसलिए दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। और मैं ये बात और आपको बताऊं कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जितने ऋषि हैं, ऋषि का अर्थ ही वैदिक काल में वैज्ञानिक होता था। हर किसी को ऋषि नहीं कहा जाता था, वो साधु होगा, संत होगा, ऋषि तो वही था जो वैज्ञानिक था, चाहे वो ऋषि वशिष्ठ हों, चाहे ऋषि विश्वामित्र हों। इन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आयुर्वेद में कोई ना कोई खोज की, इसलिए ये ऋषि कहलाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान और धर्म, विज्ञान और साहित्य अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद में तो जिस वैद्य को कविराज कहा जाता है, उसे अगर कविता का ज्ञान नहीं है तो वो वैद्य नहीं हो सकता। अगर उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो वो वैद्य नहीं हो सकता, और उसे अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो वो वैद्य नहीं हो सकता। तो भाषा, ज्ञान और विज्ञान तीनों एक ही चीज़ के वो है, हाँ, पहलू है। इसको ही आप सत्यम शिवम सुंदरम कह सकते हैं, यही गंगा, यमुना और सरस्वती है, ये भिन्न नहीं। नीरव जी, आप पत्रकार, साहित्यकार, कवि, व्यंगकार, गजलकार, आप अपने आप को इन सब में कहाँ खड़ा पाते हैं? आप अपने आप को मुख्य रूप से क्या समझते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जो अपने को टुकड़ों में रख के चल रहा है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है, रचनाकार नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में आपको करुणा मिलेगी, श्रृंगार भी मिलेगा, वीर रस भी मिलेगा, रौद्र रस भी मिलेगा, भीवत्स रस भी मिलेगा, नव रस है उसमें। कबीर को आप ले लीजिए, कबीर जो है व्यंगकार भी है, समाज का संदेश देने वाला भी है, तो नीतिकार भी है। तो जो आदमी खाली ये कहता है कि मैं तो व्यंगकार हूँ, इसका मतलब ये है कि वो एक टुकड़े विशेष में काम कर रहा है। अब अज्ञे हैं, अज्ञे को आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि सांप तुम शहरों में रहे नहीं, डसना कहाँ से आ गया। व्यंग है, लेकिन बहुत आध्यात्मिक चिंतन भी था, बहुत गद्य भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे। तो सप्रयास अगर कोई व्यंग लिख रहा है तो मैं उसे व्यंगकार नहीं हूँ। आप अपने अभिव्यक्ति में स्वाभाविक रूप से व्यंग आ जाता है तो उसको हम छांट के कहेंगे कि व्यंगकार के रूप में रचनाकार यूँ है, कवि के रूप में यूँ है, गद्य लेखक के रूप में यूँ है। होना तो ये चाहिए कि
जो रचनाकार है वो बहुमुखी प्रतिभा का होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद को लीजिए, हाँ, नाटककार नाटक भी बहुत अच्छे थे, उपन्यास भी लिखे, तो ये संपूर्ण समग्र लोग, महादेवी वर्मा को ले लीजिए, कविताएं भी लिखी, कहानी भी लिखी, रेखा चित्र भी बनाए, रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, कविता भी लिख रहे हैं, चित्रकार भी, तो जो रचनाकार होता है वो समग्र रूप से अलग अलग धाराओं में अलग अलग रंगों में अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है। खाली एक ही रंग में कोई अपने को कर रहा है अभिव्यक्त, तो मैं समझता हूँ कि वो कलर ब्लाइंड है, केवल एक ही रंग में अपने को जोड़े हुए है। जैसे सूरज है, सूरज में सात रंग हैं और सातों रंगों में वो समान रूप से अपने को प्रवाहित कर रहा है, तो वैसी रचनाकार जो है वो नवरस में, नौ रसों में समान रूप से अपने को प्रवाहित करे, सारी विधाओं में अपने को अभिव्यक्त करे, तो ही वो संपूर्ण रचनाकार है। अन्यथा वो एक विधा का विशेषज्ञ तो हो सकता है, लेकिन समग्र साहित्यकार या प्रज्ञान पुरुष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, संपूर्ण साहित्यकार नहीं हो सकता जी। और अंत में ट्रू मीडिया के माध्यम से आप हमारे युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि युवा साहित्यकार से मतलब कम उम्र के साहित्यकार से है, या जो अपने लेखन में युवा हैं उनके प्रति है। अक्सर होता क्या है कि बहुत बूढ़े लोग भी हैं जो युवा ही हैं, अधकचरे ही हैं, नहीं लिख ही नहीं पाए, वो युवा ही हैं। और एक व्यक्ति है जो बूढ़ा है लेकिन वो ऐसा लिख रहा है कि युवकों को प्रेरणा दे रहा है, तो वो भी युवा रचनाकार है। और एक ये है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं और वो लिख रहे हैं, वो भी युवा रचनाकार हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो अभिव्यक्ति के धरातल पर युवा है वो युवा रचनाकार है। मैं अपने आप को युवा रचनाकार ही मानता हूँ। जिस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊँगा उस दिन मेरा लेखन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भी विद्वान है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी जिज्ञासु है, जो भी ज्ञानु है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो जीवन भर एक विद्यार्थी रहता है, विद्यार्थी युवा होता है, क्योंकि उसके मन में प्रश्नाकुलता होती है, जिज्ञासाएँ होती हैं। तो रचनाकार तो युवा होता ही है। अगर उम्र विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपने नई पीढ़ी के रचनाकारों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने प्रतिष्ठित बड़े बड़े साहित्यकार हैं, अगर उन्हें सम्मान मिला तो उनके प्रारंभिक रचनाओं पर उन्हें मिल गया, जो उन्होंने छात्र जीवन में लिखी, चाहे पंत जी ने चिदंबरा लिखी, उनके छात्र जीवन की रचना दी, या बच्चन जी की रचनाएँ दी, तो युवा होने का मतलब, हाँ मधुशाला, तो युवा हो तो श्रेष्ठतम लिखता है। युवा में फोर्स होती है पूरी अपने को अभिव्यक्त करने की, और उसकी संवेदनाएं मुरझाती नहीं है, बड़ी ताज़ा होती है, हाँ उसमें ताजगी होती है अभिव्यक्ति की भी और संवेदना की भी। इसलिए ये युवा रचनाकार हैं वो, तो ये समझिए उनसे हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और युवा रचनाकारों से भी मेरा एक विनम्र निवेदन ये है कि वो पढ़ें अधिक, उसके बाद लिखें। होता क्या है, आज प्रवृत्ति ये आ गई है कि लोग लिखे जा रहे हैं, क्या लिखे जा रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अग्रज पीढ़ी को पढ़ा नहीं है, इसलिए उनके आसपास क्या लिखा जा चुका है, क्या श्रेष्ठतम है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। तो उससे क्या है, वो कुएं के मेंढक से बन गए हैं, उनको समुद्र का विस्तार भी देखना चाहिए, वो उनके हित में है। और ट्रू मीडिया इस दिशा में एक अच्छा काम कर रहा है कि नए नए रचनाकारों को वो मंच प्रदान कर रहा है। ये आज के इस प्रतियोगिता भरे दौर में जहाँ लोग धक्का दे के खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाए, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और शायद इसी कारण ट्रू मीडिया का इतना मूल्यांकन भी हो रहा है कि उसे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, क्योंकि ये अच्छा काम हो रहा है, साहित्यकारों पे विशेषांक निकल रहे हैं, ये कोई काम हिंदुस्तान में कोई मैगजीन नहीं कर रही, तो ये बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है, इतिहास का काम है, और कल रिसर्च का काम बनेगा ये। तो ये काम ट्रू मीडिया के जरिए हो रहा है, ये अभियान निरंतर इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। तो देखा दोस्तों, प्रज्ञान पुरुष नीरव जी ने हमें बताया कि प्रज्ञान पुरुष क्या होता है, यानी कि साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार या श्रेष्ठ साहित्यकार वही होता है जो सब विधाओं में लिखना जानता है, नवरसों को जानता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और वो हमेशा युवा रहता है अगर वो लोगों को कुछ सिखा पाता है या लोगों को सीखने की या लिखने की प्रेरणा देता है। तो लिखना बाद में, पहले लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये उन्होंने हमें समझाया, और इसके लिए हम ट्रू मीडिया वाले या ट्रू मीडिया की ओर से हम नीरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और बहुत बहुत आपका अभिनंदन भी करते हैं, सादर वंदन भी करते हैं। आप धन्यवाद पुष्पा जी।